अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा आज ये वीडियो बनाने का कोई सीन तो नहीं था, कोई मकसद तो नहीं था, लेकिन आजकल आपको पता है पाकिस्तान में एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। एक लड़की के साथ 14 अगस्त पर जैसे ज़्यादती होती है, जैसे उसके साथ दरिंदे करते हैं, वो सबको रिलेटेड एक छोटी सी मैं वीडियो बना रहा हूँ। 2 मिनट का टाइम हो तो मेरी वीडियो ज़रूर सुन लीजिएगा, आपके भी काफ़ी पॉइंट्स क्लियर होंगे और मेरा भी। अगर कोई बात आपको बुरी लगे मुझे कमेंट में करके बताना कि यार आप इस जगह पर गलत हो। मेरा किसी की ज़िंदगी पर कोई हक नहीं है, किसी की ज़िंदगी में मेरा कोई हक नहीं है, ना मैं किसी को कुछ कह सकता हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी पर हक है। लेकिन एडवाइस कर सकता हूँ जो मेरी बहनें देख रही हैं, जो मेरी माएँ देख रही हैं, जो मेरे भाई देख रहे हैं, उनके लिए जनाब, सबसे पहले जो भी मैं हमारी बहन के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। हमारे पाकिस्तानी अवाम की कमज़ोरी ये है, एक लड़की देख के ना वो दरिंदे बन जाएंगे, वो बेरिये बन जाएंगे, वो अपनी माँ बहनों को भूल जाएंगे और लड़की को पढ़ जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा गंदी आदत है हमारे लोगों की वो ये है। आप सारे लोग एक जैसे भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छे घरों के लोग भी हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि चंद एक कुत्ते बिल्ले के पीछे सारी दुनिया को आप कहें कि पूरा पाकिस्तान ही घटिया लोगों का है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक बुरा है तो सारे बुरे होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं। हाँ, अगर 100 बुरे ना 10 बंदे सही भी हैं। अच्छा, आज मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लड़की किस जगह पर गलत थी और लड़के किस जगह पर गलत थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा किसी के साथ जाती कोई मामला नहीं, ना लड़कों के साथ ना लड़की के साथ। लड़की की इज्जत करना मेरा फ़र्ज है एज अ ब्रदर, और बिल्कुल मैं उसकी इज्जत करता हूँ और उसको इंसाफ मिलना चाहिए, हम उसके साथ हैं, बिल्कुल उसके साथ हैं। 14 अगस्त वाले दिन सबसे पहली बात घर से निकलना एक लड़के के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, आज़ादी है, बिल्कुल है, आपकी ज़िंदगी है, आपका हक है, जो मर्ज़ी करो, मेरा बोलना नहीं कुछ बनता, लेकिन एज अ ब्रदर मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, अगली बार कोई ना कोई बंदा सुन ले, 14 अगस्त पर निकलना घर से कोई टुक नहीं बनता, जो सीधी बात है। अगर आप 14 अगस्त पर निकल गए हो, आप 14 अगस्त में एक बार पार्क में घूम रहे हो ना, तो वहाँ पर और लड़कियाँ भी है थी, एक लड़की नहीं थी है जिसके साथ ये सारा मामला हुआ, वहाँ पर और लड़कियाँ भी आई थी जिनके साथ कोई मामला नहीं हुआ, वो क्योंकि अपने माँ के साथ आई थी, कोई अपनी बहन के साथ आई थी, या कोई अपने पापा के साथ आई थी, कोई मतलब कि फैमिली के साथ जो लड़कियाँ आई थी उनके साथ ये मामला नहीं हुआ, ये उसके साथ नहीं होना था सिर्फ जो एक दोस्तों के साथ आई थी और जो एक वीडियो। चलो, ये भी मैं किसी की ज़िंदगी पर बोलने का हक नहीं रखता, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपना क्लियर करना चाहता हूँ। जनाब, जब आप पार्क में आए हो ना, आप अपनी वीडियोस बनाओ, जैसे भी कपड़े पहने हैं, किसी को कोई मसला नहीं है, जो मर्ज़ी करो, किसी को कोई मसला नहीं। लेकिन हमारे मुल्क में ना इतनी गैरत है, हम भी घूमते हैं पाकिस्तान में, हमारी माएँ बहनें भी हमारे साथ घूमती हैं, ठीक है। इतनी पाकिस्तानी अवाम में गैरत है, जब किसी का भाई बाप जा रहा हो ना तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती दे जनाब किसी की बहन को देखिए ऐसे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं गतियाँ दूर दूर से देखते हैं, दरिंदे हैं, बेरी हैं, बुरी नज़रों से देखते हैं, जिनकी नज़रों को हम निकाल नहीं कर सकते, जिनकी आंखों को हम निकाल नहीं सकते, लेकिन वो पास आके कभी भी तंग नहीं करेंगे, दूर दूर से भी रहें, बेशक दूर से जो मर्ज़ी करें, इन आँखों से जो मर्ज़ी करें, हाथ से वो फिज़िकली नहीं हो सकते। अब आपके साथ फिज़िकली क्यों हुए, पॉइंट तो ये था मेरा, आपके साथ फिजिकली क्यों हुए? और वहां पर 400 लड़का अगर बदतमीज था, और पाकिस्तान का 4 करोड़ आपने लड़का बदतमीज बना दिया, 4 करोड़ लड़का आदमी बुरे बन गए, क्यों बन गए वो 400 की वजह से? अब आप पूरी फेम के लिए, हमारे मीडिया भी, सोशल मीडिया भी फेम के लिए ना, अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए एक ही चीज़ को ऊपर मतलब के लेके जाई जा रहा है। अब आप दोनों तरफा देखो यार, एक चीज़ को तो आप लेके जा रहे, ये ठीक है, लड़की की इज्जत, लड़की की इज्जत करना हमारा फ़र्ज है, हम सब आपके साथ हैं, लड़की की इज्जत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, हम हर मामले में आपके साथ हैं, जहाँ जहाँ लड़की को इज्जत मिलनी चाहिए वहाँ पर हम साथ हैं। लेकिन आप 4 करोड़ आवाम को गंदा भी तो ना करो, पूरी पाकिस्तानी, ये पूरे पाकिस्तानी लड़की गतियां, ऐसा तो ना कहो यार। बड़ी बड़ी माओं ने बड़े बड़े हीरे भी पैदा किए हैं, जिनकी नजरों में हया भी है। हम एक बार पार्क में जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर इंजॉय कर रहे हैं, हमें किसी हमारी दुनिया में ना, हमारे यहाँ पर जितने मर्जी बुरे लोग हैं ना, अगर हम फैमिली के साथ है ना, अपनी बहन के साथ है, माँ के साथ है, बेशक नजरों से जितनी मर्जी बेहयाई लोग कर रहे ना, फिजिकली नहीं होता कोई बंदा भी। अब आपने किसी को इतनी इजाजत दी
एक बंदा आके आपके पास फिजिकली होने की कोशिश करेगा, देन 100 बंदा और ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यार ये लड़की तो रोक ही नहीं रही फिजिकली होने से, लाइक उसके साथ वीडियोस बनाने से, फिजिकली होने से मतलब आप घर ना लेना, लाइक वीडियो बनाने से, तस्वीरें बनाने से, ये मैं कह रहा हूँ। अब जनाब आप पार्क में जाते हो, वहाँ पर और लड़कियाँ भी आती हैं, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अपने माँ भाई बहन बाप के साथ थी, उनको पता था मतलब कि अपना इंजॉय कर रहे थे, ठीक है बिल्कुल कर रहे थे, लोग नज़रों से उनके साथ जो मर्जी करते थे, लेकिन फिजिकली तौर पर उनके पास भी नहीं थी आ सकते, क्योंकि उनके पास इतनी पावर है थी कि वो एक अपने माँ बाप के साथ आई हुई हैं। ठीक है आप अपने फ्रेंड्स के साथ आए हो, कज़न के साथ आए हो, आपके आपका हक है आपकी ज़िंदगी पर, मैं कोई बंदा नहीं, कोई मेरी औकात नहीं, मैं बोलूँ आपकी ज़िंदगी पर, लेकिन पॉइंट मेरा ये पैदा होता है, सबसे पहली बात आप फिर मुझे हेट पैदा करेंगे, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, वो लड़की थी, अब उसको इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी हुआ उसको इंसाफ मिलना चाहिए, हम उसके साथ हैं, ठीक है। अब हमारी सोशल मीडिया पर सिर्फ ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, 400 बंदे के पीछे 4 करोड़ बंदा बुरा ना करो आप, 4 करोड़ बंदे को गतिया ना साबित करो आप, ठीक है, जो 400 बंदा है उस पर मुकदमा करो, उसको जेल में लेके आओ, लेकिन 4 करोड़ बंदा जो घरों में बैठा हुआ है उसको आप गंदा नहीं कह सकते। हमारी सोशल मीडिया पर एक ही बार बार लाइन चल रही है, हमारे घटिया लोग, मतलब कि मैं बोला मतलब घटिया लोग से मराज हमारी पाकिस्तानी अवाम, अवाम में आते हैं सारे, 21 करोड़ अवाम आती है फिर पूरी, ऐसे तो नहीं हो सकता 400 बंदे के पीछे 21 करोड़ बंदा गंदा ना करो। आप देखो लड़की का गुनाह ये था, एज अ ब्रदर मैं उसको एडवाइस कर रहा हूँ, वो 14 अगस्त पर गई घूम रही है, ठीक है उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने अलाउ किया मेरे साथ आके सेल्फी लो वीडियोस बनाओ, वहाँ पर एक बंदा आया उसने मना नहीं किया, 10 बंदे आए मना नहीं किया। अभी उसने स्टार्टिंग पर मना किया होता कि यार मैं वीडियोस नहीं बना सकती, मैं तस्वीरें नहीं बना सकती, हम आप खुद इन्जॉय करने आए अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई बंदे की इतनी जरूरत नहीं थी कि उसके पास जाके वीडियोस या तस्वीरें बनाता। और जनाब अब क्या सीन हो गया, उसने अलाउ कर दिया, आओ आप सेल्फियाँ बनाओ जी। मैंने आज से पहले वो लड़की नहीं थी देखी, मैंने अभी शुरू मैं अभी देखी है कि वो लड़की भी है कोई सोशल मीडिया पर, जनाब उस लड़की ने अलाउ कर दिया, क्राउड आएगा तो मैं मेरा फेम बनेगा, लोगों को पता लगेगा बहुत बड़ी स्टार है जी, फेम बन रहा है जी, आओ जी मेरे साथ वीडियोस बनाओ, आओ जी वीडियोस बनाओ, तस्वीरें बनाओ। और वहाँ पर 14 अगस्त वाला दिन था, पता नहीं कैसे कैसे घरों के गंदे गंदे लोग भी आए होंगे, जो मतलब कि आते ही इस नियत से हैं कोई लड़की मिले तो हम उसके साथ छेड़छाड़ करें। अब एक लड़की अलाउ करती है मेरे साथ तस्वीरें बनाओ, सेल्फियाँ बनाओ, वीडियोस बनाओ, जनाब 100 बंदा आ गया, 200 बंदा आ गया, कहाँ पर कंट्रोल है? आप वहाँ पर कोई सिक्योरिटी लेके गए थे जो आपको बचाएंगे? जनाब मेरी बात ये है, अब तो हम आपके साथ हैं, अब आपको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपका अपना हक है, हमारा कोई हक नहीं है आपको कुछ बोले, लेकिन एज अ ब्रदर आपको एडवाइस कर रहा हूँ, जो जो मेरी बहन भी देख रही है, अगर ऐसा कोई सीन हो जाए तो प्लीज़ पहले अपने आप को क्लियर रखा करें, फिर बाद में दुनिया को ब्लेम किया करें। इसमें हमारा मैं नहीं सोच रहा कि पूरी दुनिया का गुनाह है, इसमें थोड़ा बहुत मेरी बहन आपका भी गुनाह होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर आपने दी है तो इतने ज़्यादा लोग आ गए ना क्राउड में, या ऐसा तो नहीं होता एक लड़की जा रही है तो आके 400 लड़का उसके चिपक जाए और उसके साथ बदतमीजी करना शुरू हो जाए। आपने 10 बंदों को अलाउ किया मेरे साथ वीडियो बनाओ, 100 बंदे को कहा सेल्फी बनाओ, देन वो फिर क्राउड इकट्ठा हो गया, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी अवाम की एक कमज़ोरी है, लड़की देखें तो सेल्फी लेंगे, आके गली मोहल्ले में दिखाएंगे, ये देखो तुम्हारा भाई लड़की के साथ सेल्फी लेके आया है, ये चेक करो ये है वो है, हमारे पाकिस्तानी अवाम की सबसे गंदी आदत ये है। तो खुदारा मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, मेरी बहन को इंसाफ भी मिलना चाहिए और इंसाफ पूरे तरीके के साथ मिलना चाहिए, पूरी मतलब कि इंक्वायरी होनी चाहिए क्या मसला हुआ था, कहाँ से मामला शुरू हुए थे, ये ना हो कि किसी एक बंदे के साथ ज्यादती हो जाए, किसी एक बंदे के साथ भी ज्यादती हमारा कानून करना हमारे कानून में नहीं है कि किसी एक बंदे के साथ भी ज्यादती हो। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि यार अगर जो भी फैसला करना है तो दोनों तरफा चीज़ें देख के करनी चाहिए। अब हमारे मीडिया वाले ना सिर्फ एक ही चीज़ को बस हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन पूरा ओवरऑल आप व्यू लें, और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, अगर मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने ये चीज़ गलत कही, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो के बाद मेरा काफ़ी हेटर्स भी पैदा हो जाएंगे, लेकिन बाय गॉड एज अ सिस्टर उसको मैंने एडवाइस की, क्योंकि उसको उसकी इज्जत हमारी हमारे पाकिस्तान की लड़कियों की इज्जत हमारी बहनों की इज्जत है। तो आप सब अपना अपनी अपनी मतलब कि लड़कियों की इज्जत किया करें, मतलब कि अपनी ना भी लड़कियों अपनी कौम की लड़कियों की अपनी कौम की बहनों की इज्जत किया करें, और सबकी लड़कियों को अपनी लड़कियां अपनी बहनें समझ के बात किया करें।
और नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिए यार, हमारा मुल्क इतना गंदा नहीं है जितना लोग बना रहे हैं। दुनिया तो चाहती है कि यार पाकिस्तान में एक इशू क्रिएट हो, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम गंदा हो, ऐसा बिल्कुल ना करें। खुदारा दोनों तरफा देख के फैसला किया जाए, वो मेरी बहन के साथ भी इंसाफ किया जाए और किसी बंदे के साथ ज्यादती ना की जाए। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, और कमेंट करके मुझे कोई बात बताना अगर मेरा कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो या मैंने कोई बात गलत की हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या मेरा ये वीडियो बनाने का ये भी मकसद नहीं है कि मेरा फेम चले जाए, हज़ारों व्यूज़ आए, लाखों व्यूज़ आए, 100-200 बंदा देख रहेगा, उसमें से 2-4 बंदे जो नहीं समझ रहे थे वो समझ जाएंगे, मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर हो, और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।